सिपत थाना क्षेत्र के ग्राम पोड़ी में 10 अक्टूबर को हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के दो आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं दो फरार हैं। आपको बता दें कि सिपत थाने में मोबाइल फोन से सूचना प्राप्त होने पर कि ग्राम पोड़ी के कन्हारखार खेत में किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिनेश धीवर की हत्या कर दी गई है और खेत में अर्धनग्न पड़ा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सिपत थाना प्रभारी राजकुमार सोरी मौके में जाकर स्थल निरीक्षण उपरांत पंचनामा कार्रवाई और पोस्टमार्टम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतक के भाई महेश राम धीवर के रिपोर्ट पर सिपत थाने में अपराध दर्ज करने उपरांत मृतक के भाई ने बताया कि पूर्व में घर व बाड़ी जमीन को लेकर लक्ष्मीकांत धीवर के साथ वाद विवाद हुआ था, जिसके कारण शंका जाहिर करने पर पता चला कि लक्ष्मीकांत धीवर के पुत्र अश्विनी कुमार धीवर को पूछताछ के लिए बुलाया गया और पुलिस की कड़ाई बरतने पर उसने ओम प्रकाश यादव के साथ हत्या करना स्वीकार किया। साथ ही साथ उसने दो और आरोपियों का नाम रसूल और कलाम बताया। आरोपी ने बताया कि इस हत्या में हम चार लोग शामिल थे। वो हत्या करना आरोपियों ने स्वीकार किया और बताया कि हत्या करने के पश्चात मृतक के शव को मंजूर पहरी डैम में फेंकना चाह रहे थे, लेकिन सामने से आते लोगों की टॉर्च की रोशनी दिखाई देने के कारण लाश को खेत में ही छोड़कर भाग जाना मुनासिब समझा। पुलिस ने हत्या के समय प्रयुक्त मोटरसाइकिल व आरोपियों के खून लगे कपड़े बरामद किए तथा आरोपियों के द्वारा हत्या स्वीकार करने के पश्चात उनके विरुद्ध अपराध कायम कर अश्विनी धीवर ओम प्रकाश यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। इस हत्या में बिलासपुर पुलिस अधीक्षक दीपक झा व CSP स्नेहिल साहू के नेतृत्व में इस हत्या का कुछ ही घंटों में पर्दाफाश करने में सिपत पुलिस के सूझबूझ के साथ अज्ञात आरोपियों ग्राम पोंडी के कन्हारखार में हत्या करने वालों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। समय न्यूज के लिए बिलासपुर संभागीय ब्यूरो प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।